अर्जुन को दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए हिमालय पर तपस्या करने के लिए भेजकर पांडवों के लिए समय काटना भारी पड़ रहा था। वे काम्यक वन स्थित आश्रम में रह रहे थे। अर्जुन को दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए भेजने का मकसद यही था कि कौरवों से यदि युद्ध हुआ तो उनकी सेना के महायोद्धा पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और महारथी कर्ण जैसे वीरों से बिना दिव्यास्त्रों के जीत पाना कठिन था। धौम्य ऋषि ने पांडवों को अनेक विचित्र वनों और पवित्र तीर्थ स्थलों के विषय में कथा सुनाई थी। सब ने तय किया कि समय बिताने के लिए उन स्थानों के दर्शन ही किए जाएं। यह सोचकर वे ऋषि धौम्य के साथ चल पड़े। अनेक तीर्थों की कथा उन्होंने ऋषि धौम्य से तीर्थों में घूमते हुए सुनी। इस भ्रमण में वे कभी ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते तो कभी वनों में भटकते। जब कभी द्रौपदी थककर चूर हो जाती तो वे कुछ 6 दिन विश्राम करते। भीमसेन का शारीरिक बल सबको साहस बंधाता और उनका श्रम दूर करता। ऐसे ही एक वन में भीमसेन की भेंट असुर कन्या हिडिंबा से हुई तो भीम ने उससे गंधर्व विवाह कर लिया। उससे उसे घटोत्कच नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह समय समय पर आकर उनकी सहायता किया करता था। सूर्य ने उन्हें प्रतिदिन भोजन प्राप्त करने के लिए अक्षय पात्र प्रदान किया। एक बार वे घूमते घूमते नारायण आश्रम में पहुंचे। वह अत्यंत रमणीक प्रदेश था। उत्तर पूर्व से मंद मंद सुगंधित हवा बह रही थी। द्रौपदी आश्रम के बाहर वन के सौंदर्य को निहार रही थी कि कहीं से उड़कर एक सुंदर फूल उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया। उसकी महक से वह मुग्ध हो गई। ऐसे ही कुछ और फूल पाने के लिए उसका मन मचल उठा। उसने भीम से वैसे ही फूल लाने के लिए कहा। भीम द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए उसी ओर चल दिए जिधर से सुगंध आ रही थी। चलते चलते भीम एक पर्वत की घाटी में जा पहुंचे। वहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा था। उस बगीचे के बीच मार्ग में एक लाल मुंहा का बूढ़ा बंदर लेटा हुआ था। उसे देखकर भीमसेन ने आवाज देकर उसे रास्ते से हट जाने के लिए कहा। उस बंदर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोला, भाई मैं बूढ़ा और अशक्त हूँ। तुम्हारी भलाई के लिए ही कहता हूँ कि इस रास्ते पर आगे मत जाओ। आगे भयानक खतरा है। बंदर की बात सुनकर भीम क्रोध में बोला, अरे बंदर, तू मुझे नहीं जानता। मैं पवन पुत्र हनुमान का छोटा भाई, कुरुवंश का वीर, कुंती और वायु का पुत्र भीम हूँ। मैं किसी खतरे से नहीं डरता। मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दे। बंदर मुस्कराया और बोला, देखो भाई, मैं तो बूढ़ा हूँ। तुम या तो मुझे लांघकर चले जाओ या फिर मेरी पूछ हटाकर निकल जाओ। मेरा काम तुम्हें समझाना था। आगे तुम्हारी इच्छा। बंदर की बात सुनकर भीम को हंसी आ गई। वह बोला, किसी पशु को लांघना शास्त्रों में अनुचित कहा गया है। मैं तुम्हारी पूंछ हटाए देता हूँ। यह कहकर भीम बंदर की पूंछ हटाने के लिए नीचे झुका, किंतु वह यह देखकर हैरान रह गया कि पूंछ को हटाना तो दूर वह उसे हिला भी नहीं सका। उसने बार बार जोर लगाया और पसीने पसीने हो गया। भीम बड़ा लज्जित हुआ। उसने सोचा, यह कोई सिद्ध गंधर्व या देवता है। भीम ने नम्रता से कहा, हे देव, मुझे क्षमा करें। आपने मेरा घमंड चूर चूर कर दिया। मैं आपकी शरण में हूं। आप अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करें। तब उस बंदर ने कहा, हे पांडुवीर, मैं संपूर्ण विश्व के प्राणाधार वायुदेव का पुत्र हूं, हनुमान मेरा नाम है। यह रास्ता देवलोक को जाता है। इस पर अनेक विपदाएं हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें रोका। तुम जिस सुगंधित पुष्प की तलाश में यहाँ आए हो, वे उस सामने वाले जलाशय के आसपास के उपवन में लहलहा रहे हैं। जाओ, जितने चाहो पुष्प ले लो। भीम हनुमान के चरणों में गिरकर बोले, हे तात, आज मुझसे भारी भूल हो गई, जो मैं आपको नहीं पहचान सका। मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे दर्शन दिए। मुझे अपने उसी रूप के दर्शन कराएं, जिस आकार से आपने समुद्र को लांघा था। भीम की बात सुनकर हनुमान ने अपना विशाल आकार बढ़ाकर उसे दिखाया और कहा, भीम, इससे बड़ा आकार बनाकर तुम्हें दिखाने का समय अभी नहीं है। शत्रुओं के सामने यह आकार और भी बड़ा हो सकता है।
हनुमान ने अपना आकार छोटा कर लिया और भीम को गले लगाकर उसकी सारी थकान दूर कर दी। फिर वे उसे जलाशय के पास लेकर गए, जहां भीम ने अनेक सुंदर पुष्प तोड़े। विदा करते समय हनुमान ने भीम से कहा, भीम, समय पड़ने पर मेरा स्मरण करना। जब तुम युद्ध में गर्जना करोगे तो मेरी गर्जना भी साथ सुनाई देगी। मैं युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ पर फहराने वाली ध्वजा पर हर पल विद्यमान रहूंगा। मेरी गर्जना से शत्रु के दिल दहल जाएंगे। महावीर हनुमान के चरण स्पर्श करके भीम लौट आया। वह बहुत प्रसन्न था।